विलियमसन विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। तो गाइस अगर हमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की बात करनी है तो सब की पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर होने चाहिए, द फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन वी नीड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। गाइस हमें यहां पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, एंड व्हेन दिस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड इट फॉर्म ईथर। ये हमें क्या देगा गाइस, ईथर। ईथर क्या होता है, जो आर ओ आर की फॉर्मेशन करता है। आर यहां पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है गाइस, या फिर आर ओ आर डैश की फॉर्मेशन करता है। अगर मैं यहां पे आर ओ आर की बात करूं तो आर ओ आर क्या होगा, यहां पे सिमेट्रिकल ईथर होगा। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं आर ओ आर डैश की, तो इट मींस यहां पे होगा हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कौन दिखाता है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन दिखाता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिखाता है, जिसे हम मंडिग्री कहते हैं। इसमें हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आइदर सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन 2° and 3° एल्काइल हैलाइड शो नहीं करते, 2° and 3° एल्काइल हैलाइड शो नहीं कर दे गाइस। और थर्ड पॉइंट, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये SN2 पाथवे को फॉलो करता है, जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए मूव करते हैं और रिएक्शन देखते हैं। लेट्स मूव टू द रिएक्शन। So guys, अगर मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2 एंड वी हैव क्लोरीन, सो वी हैव 1° प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विच इज नोन एज इथाइल क्लोराइड। तो जब हम इथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3ONA विच वी कॉल सोडियम मिथॉक्साइड। तो गाइस होगा क्या, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता है क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, सोडियम का पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव क्लोरीन पॉजिटिव Na के साथ NaCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हुआ गाइस, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव आयन आपको यहां पे दिख रहा है गाइस, ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा इस कार्बन पे। पीछे से अटैक करने का मतलब यहां पे ये है कि ये SN2 मैकेनिज्म या फिर SN2 पाथवे को फॉलो करेगा, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, और बनेगा क्या, CH2, ये ऑक्सीजन आ गया, देन वी हैव CH3। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ईथर की फॉर्मेशन होगी गाइस। और ये ईथर कैसा ईथर है, अगर हम चेक करेंगे तो ये रहा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साइड है इथाइल ग्रुप, और इस ऑक्सीजन के इस साइड है मिथाइल ग्रुप। इट मींस ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, यहां पे आर ओ आर डैश की फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये वाला जो ईथर है ये कैसा ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है गाइस, अनसिमेट्रिकल ईथर यहां पे फॉर्म हुआ गाइस। चलिए मूव करता हूं और एक और रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2, मेरे पास है Cl, हम इसे रिएक्ट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ONA। तो रिएक्शन कैसी होगी गाइस, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे सोडियम एल्कोक्साइड को, ये है क्या हमारे पास, ये है हमारे पास यहां पे सोडियम इथॉक्साइड। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। सोडियम का चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव, क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्लोरीन क्या करेगा, पॉजिटिव सोडियम के साथ NaCl की फॉर्म में बाहर, एंड ये जो नेगेटिव आयन यहां पे फॉर्म हुआ ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैक करेगा इस कार्बन पे पीछे की साइड से। इट मींस इसने SN2 पाथवे को फॉलो किया, और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3। सो गाइस यहां पे जो ईथर बना हम इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। कैसे पता चला, ऑक्सीजन के इस साइड इथाइल ग्रुप है, और ऑक्सीजन के इस साइड भी क्या है, इथाइल ग्रुप है। मतलब यहां पे आर ओ आर की फॉर्मेशन हुई है। इट मींस यहां पे जो हमें ईथर मिला वो कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है गाइस, सिमेट्रिकल ईथर की यहां पे क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन।